Question number 119. A gas is allowed to expand in a well-insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.0 liter. आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है. थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. इंसुलेटेड कंटेनर है, मींस क्यू जीरो है. फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली डेली होता है क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू जीरो है, इट मींस इंटरनल एनर्जी वर्क डन के इक्वल है. अब एक्सपांशन वर्क दिया है, एक्सपांशन वर्क होता है माइनस पी डेल वी. प्रेशर आपको दिया है 2.5 एटमॉस्फियर. चेंज इन वॉल्यूम आप निकाल लीजिए. वर्क डन आएगा माइनस 5 लीटर एटमॉस्फियर. 1 लीटर एटमॉस्फियर को आप जूल में कन्वर्ट कीजिए. लीटर एटमॉस्फियर, 1 लीटर एटमॉस्फियर होता है 101.3 जूल्स. इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा माइनस 506.5 जूल्स. अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है उसको आपको टिक करना होगा. माइनस 505 जूल वाला यानी 119 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 120. फिर से ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा है. इजी न्यूमेरिकल है, केवल आपको यदि फॉर्मूला याद था तो आप कर सकते थे. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10^-2 पर सेकेंड. How much time will it take for 20 gram of reactant to reduce to 5 gram? First order equation में apply करते हैं. Time आपको दिया है 10^, sorry, k की value आपको दी है 10^-2. Initial concentration दिया है 20, final concentration है 5. यहाँ से आप time निकाल लेंगे. ये आ जाएगा log 4. log 4 की value होती है 0.6020. इसको multiply करेंगे. टाइम आ जाएगा 138.6 सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है 4, फोर्थ ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 121. फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हेक्साइनो मैंगनीज आयन. इसमें आपको इस स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पूछी. डायरेक्ट यदि आप देख पा रहे हैं तो सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है. तो आप इस ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को तो सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं. स्क्वायर प्लेनर DSP2 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर. एक और ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो नहीं सकती है. बचे दो ऑप्शन, D2SP3 और ऑक्टाहेड्रल या SP3D2 और ऑक्टाहेड्रल. तो ये डायरेक्ट यदि हम आपको ट्रिक बताएं तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेरिंग करवा देगा. मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा. देखिए कैसे होगा ये. मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25. कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D5 4S2. इस कंपाउंड में मैंगनीज प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे, एक जाएगा डी से. इस कंपाउंड में मैंगनीज प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D4. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. जब साइनाइड आयन अप्रोच करेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा. तो 2 डी ऑर्बिटल ये वैकेंट हो जाएंगे. हाइब्रिडाइजेशन होगा D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन. ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ साइनाइड आयन ओवरलैपिंग करके बनाएगा मेटल लिगेंड बॉन्ड. तो इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन है D2SP3, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है फर्स्ट.